इंसान की तकलीफ जैसे है कि इसको कुव्वत हाफ़िज़ा दिया गया, यादाश्त और फरामोश करने की सलाहियत दी गई, याद रखता है भूल जाता है, बहुत याद रखता है भूल जाता है, सुबह आप लिस्ट बना दी जाओ चीज़ खरीदने के लिए कोई ना कोई चीज़ रह जाती, यादाश्त बड़ी आपकी और यादाश्त बड़ी कमजोर है। इंसान की खूबी है कि माजी जिस तरह होता था समंदर का कोई सफ़र हो या कोई और सफ़र हो, सारा सफ़र खुशगवार गुजरे, रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई वाक़ हो जाए हाथ साथी शक्ल का, तो सारा सफ़र भूल जाता है, वाक़ वाक़ याद जाता है, क्या बताऊँ मुश्किल से बच के आ गए, और जो आराम का सफ़र गुजरा ना फिर भूल गया। इंसान की आदत है तो इसको जो चीज़ फौरी तौर पर है वो बयान करता रहता है। ये हम नहीं करना चाहते कि पिछले वाक़ात भूल जाता है, एहसानात भूल जाता है, ना जो चीज़ वारद हो ये उसी पर जैसे कर तकलीफ, चूँकि ज़्यादा परमानेंट नेचर की होती है इसलिए उसका इजहार ज़्यादा करता है, तकलीफ जो है वो उसको मजबूरी बन जाती है। एहसान याद करने वाले भी लोग मौजूद हैं, हम उसका नुस्खा ही बदल रहे हैं, हम कहते हैं तकलीफ और राहत हो, अगर तल्लक मौजूद है अल्लाह के साथ तो तकलीफ को तकलीफ ना कहो, तल्लक की बात है, तल्लक न हो तो फिर राहत भी एक किस्म की मुसीबत है, फिर फिरौन के पास बड़ी राहत थी और फिरौन था वो, और अगर तल्लक मौजूद हो इब्तला से गुजर जाए तो पैगंबर और करीब करीब रहेगा। तो आयत का मज़मून है वो ये है कि आप अल्लाह ताला का तकर्रब दरियाफ्त करो और हासिल करो, उसमें न कोई राहत है न कोई रंज है, बस तकर्रब ही है। यानी जिस तरह कोई दोस्त को दोस्ती करने वाला दोस्त के तकर्रब को ही हासिल समझता है और उसकी दूरी को जुर्म समझता है, आप अल्लाह ताला का तकर्रब भी आप, बाकी हमारे हालात या हालत जाने ये दोनों बीमारी, अच्छाई और बुराई दोनों, तकलीफ हो या राहत हो ये दोनों ही मीनिंग लेते हैं, देखना यह तल्लक कायम है कि नहीं है, तल्लक को कायम रखो, अगर अल्लाह ताला से तल्लक है तो फिर दोनों हालात अच्छे हैं। इंसान की फितरत रहती है जो इंसान को भूल जाता है, मैं ये बता रहा हूँ एहसान को आप एम्फसाइज ना करो, एहसान को भी अच्छी चीज़ है या तकलीफ को बुरी चीज़ है, अच्छे आदमी के लिए तकलीफ भी अच्छी चीज़ है और बुरे आदमी पर एहसान भी बुरी चीज़ है, बात इंसान की अपनी है। आप बात समझ रहे क्या कहा, ये सारा वाक़ा जो है ना ये बदल जाएगा कि अच्छा इंसान अगर गरीब हो तब भी अच्छा है, बुरा इंसान अगर अमीर भी हो तब भी बुरा है, हम यार अच्छा आदमी बहुत अच्छा है जो अल्लाह के करीब हो, और गरीब हो या अमीर हो दोनों हालतों में उसके साथ अच्छाई हो रही है। अल्लाह ताला ने अपने करीब रहने वालों को गरीबी से भी गुजारा, दौलत भी बर्दाश्त कर दी पड़ी उन लोगों को अल्लाह के तकर्रब वालों को, अच्छा इसलिए अल्लाह का आपको दौलत बर्दाश्त करना सिखा दे, दौलत बर्दाश्त कर लो, अगर हम से नवाज दे तो ये एहसान समय के कबूल कर लो, दूसरा यह कि आपका तल्ला कदर टूटे, इसलिए उस सवाल को हमने बदल दिया, सवाल ये था कि तकलीफ के वक्त इंसान एहसान क्यों भूल जाता है, हम कहते तकलीफ हो या एहसान हो दोनों बातें अल्लाह की रजा में शामिल कर, तल्ला कायम रहे, तल्लक हो तो फिर उसका सितम भी करम है और करम भी करम, तल्लक न हो तो फिर समझो कि एहसान कोई एहसान नहीं है। कोई आदमी जिस तरह बाप और बेटे के साथ कहते जा तेरे साथ मेरा तल्लक हो लिया तुमने जो पैसे लेने ले जाओ, तल्लक न हो तो फिर क्या लिया आपने, इसी तरह आप अल्लाह से तल्लक बनाओ, तल्लक में जो कुछ देगा वो बेहतर है, और जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं ना इंसान उनको बहुत बड़े आराम से नवाजते हैं, बहुत आराम से निकाल बड़ों को बड़ा आराम देता है और छोटों को बहुत दौलत देता है, ये भी एक वाक्य है उसका, कभी इसके आवा भी करता है वो, पैगंबर बताता है और फिर साहिब इल्म पैगंबर के अलावा भी बता देता है वो, वो सलाम को भी मिल गया, इसलिए ऐ साहिबान अकलमंदो आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप अल्लाह ताला के तसर्रुफ में कभी हालात ज़िंदगी को अच्छाई बुराई में ना मापना, तल्लक को मापना, आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप क्या कह रहे, आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के तल्लक के हवाले से जानना कि आप अल्लाह के करीब हो और बड़ी मेहरबानी उसकी,
हालात जैसे भी है मेहरबानी है। तो अच्छे आदमी जो है ना वो हालात पर बहस नहीं करते, तल्लक पर बहस करते हैं कि तल्लक कायम होना चाहिए, पर हालात भी बेहतर हो जाते हैं। तो अभी एक आदमी ऐसा होता है जो एक ख्वाहिश उसमें पैदा हो जाती है, कौन सी ख्वाहिश, कि ये चीज़ हासिल होनी चाहिए खुद ब खुद कि मेरा ये हक है। और अगर अल्लाह की तरफ से वो वाकया ना हो, आत्मोदम बने या मिले ना, फिर वो थोड़ा सा नाला या अफसरदा हो जाता है। मैं इस बात की आपको आगही दे रहा हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशात को जज्बात भी ना बनने दो, अल्लाह को तजवीज ना किया करो। अच्छा, गुनाह का तत्वा तो वादा हो गया ना कि गुनाह है उसकी मर्जी के खिलाफ, कोताही है अपनी सलाहियत से कम, ये अपने खिलाफ गुनाह है। आमतौर पर गुनाह में बड़ी लोग परेशान होते हैं, ये मैं बात एक हवाले से कर रहा हूँ, छोटा सा बात है कि जो चीज़ हमें पसंद ना हो वो चीज़ जब हम करने पे मजबूर हो जाते हैं तो लोग कहते हैं ये गुनाह है, कि जो पसंद है वो हासिल नहीं, और जो हासिल के साथ जिंदगी बदर कर रहे हैं ये गुनाह है क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो असल में गुनाह ये नहीं है आपकी पसंद और नापसंद, गुनाह है आपके आने से पहले जो तयशुदा अमर है अल्लाह की पसंद और नापसंद जिसे कहा गया है उसके अलावा, उसकी नापसंद के खिलाफ काम करना, उसकी पसंद के खिलाफ काम करना यह गुनाह है जिसे हदूदुल्लाह कहते हैं। अब एक ऐसा तकरीब ज़ात का एक हवाला है, गुनाह बिलमूम तकरीब ज़ात का ज़रिया है, लेकिन हर तकरीब ज़ात गुनाह नहीं है। अब आदमी अभी रात को और तकरीब तक पहुँचाने का जो अमल है इसको नाअहली देने का अमल है, कोताही है अमल इससे पैदा हो जाए, ये इस तरह गुनाह नहीं है कि आपकी सिफत से मालूम होने वाली बात है जो अल्लाह ने सिफात अता की है, इसलिए उसमें यह गुनाह नहीं है। ये गुनाह बनता है क्लास का, आप आदि मेरे ना जिस क्लास को आप मिलान करते हो ना उसके अगेंस्ट बात है, क्या मतलब जो परिंदा होता नहीं है शाइन, ये गुनाह है परिंदों की दुनिया का, लेकिन जो अल्लाह ने उसके ऊपर कर रखा ना कि तुम ये करोगे तो सवाब होगा, ये करोगे तो गुनाह होगा, अगर ये नहीं कहा तो फिर वो गुनाह नहीं है। मतलब एक आदमी जो है वो आज झूठ नहीं बोलता, एक आदमी जो है वो और अल्लाह ताला के हुदूद को क्रॉस नहीं करता, गुनाह नहीं है। इसको आप झूठ समझ लो आपकी रात का गुनाह का फर्क, एक मिसाल से जिस तरह आप जुर्म और गुनाह समझते हो कि एक आदमी आपके पास आया साहिल बनकर भूखा था, तो उसे सवाल किया, आपके पास ख्याल मौजूद नहीं था, आपने उसे कुछ नहीं दिया, वाकई भूखा था, थोड़ी दूर जाके मर गया। अब ये जो आपको एहसास पैदा हुआ ना कि आप उसके कत्ल का बायस हैं, यहाँ से ये कोताही ये अमल है, गुनाह नहीं है। गुनाह ऐसी नहीं है कि आपके पास था ही नहीं उसके मसाइल, लेकिन साथ अगर आप अलर्ट होते रहते फिर ये वाकया ना होता। इसे कोताही रात क्या देखते हैं, ये ज़मीर का बोझ है लेकिन गुनाह नहीं है। अब मेरी बात है ना, पहले तो मैं आ गया, इसलिए वो सलाहियत कि जो मैं कर सकता था मैंने वो ना किया पूरा, आपको उसका वाकया मिला अल्लाह ताला की तरफ से और आप उसमें पूरे नहीं उतरे हैं, एक कलम मिला, किसी को ज़बान मिला, किसी कुछ बात मिली, पूरा आपने साफ नहीं किया, तो ये आपका ज़मीर का बोझ है, गुनाह नहीं है। क्योंकि गुनाह जो है ना आपने बच्चों के लिए रिस्क कमाया है काफ़ी है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक है, गुनाह होता है सिर्फ रजा के अलावा। सलाहियत पूरी का इस्तेमाल हो तो ये कोताही है वह ज़ात के खिलाफ, अपनी ज़ात, ये ज़मीर की मलामत बनता है और वह और तरह से उसका फैसला होता है। इसकी गुनाह की सजा फौरी है कोताही अमल की, कि ये आपका ज़मीर ही आपको मलामत करता रहता है, इसका जजा सजा ज़मीर के अंदर है, इसकी जन्नत दोज़ख आपको दी हो कि जो आपने काम नहीं किया, बस के साथ बेवफाई कर दी, नेकी बदी की बात नहीं है, सिर्फ एक बार वादा पूरा नहीं कर सका, आपने कहा कि ये
नहीं उतनी था तो ज्यादा वादा हम पूरा नहीं कर सके, जवाब हो सकता है नेकी बदी में, लेकिन वहाँ की दुनिया में ये जुर्म होगा और आप पर ये बोझ रहेगा दफाक में बाबत। इसलिए कोता ये अमल आप पर हमेशा बोझ रहता है कि आपने वो सलाहियत न की, पूरी न किया अमल जो आपको अल्लाह ताला ने दिया था, आपने अपनी ज़ात के साथ इंसाफ न किया। कोता गुनाह के अलावा ये कोता ये अमल जो है ना ये नसीब के साथ भी न मिलाया करो कि ये मेरा नसीब था ना, कोता ये अमल को नसीब में रहना चाहिए क्योंकि ये कोताही अमल बाहर कोताही अमल है, इसको अमल से इतला दुरुस्त। अता की तारीफ तो वादे होगी ना आपके यहाँ, अता को हमने कहा था कि वो चीज़ जो हक से ज़्यादा मिले और वो चीज़ जो आरजू से भी ज़्यादा मिले, इसको हम अता कह सकते अल्लाह तआला की तरफ से, जो आरजू से भी ज़्यादा हो हक से भी ज़्यादा हो। अब जब अता हो जाती है और यूँ और बाब है कि हर चीज़ को ये अता मानने वाला शुक्रे लगो अब अल्लाह के आगे, तो फिर हर चीज़ अता हो जाती, आप अपनी ज़िंदगी का मलकियत छोड़ दो तो फिर ये आशा अता आई है। अता का मना तो हालत सत्वर है, अगर जो शुक्रिया ज़्यादा करते जाओगे अता होती जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला के अमल को शुक्र के साथ कबूल करना का बात है, अता समझ आ जाती है जब इंसान 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 को नवाज सकता है, इंसान इंसान को ख्याल दे सकता है, इंसान इंसान पर अता कर सकता है कतर। जब आप इंसानों के ममनून होना शुरू हो जाओ तो इंसान ने इंसान पर अता कर दिया, ये आपके अपने ममनून होने की बात है, शुक्र की बात कि जहाँ आप शुक्रिया अदा करना शुरू हो जाओ पैगम्बर अता करता है, रास्ता अल्लाह ताला का इराद फरमाता है और पैगम्बरों के मानने वाले जानने वाले जानशीन औलिया इकराम अता फरमाते हैं। अता का मतलब है कि मुझे किसी ऐसे अमल की तरफ मायल कर देना जहाँ मिलाने तबा मेरा नहीं था, कि मेरी कोशिश से वह वाक़ा नहीं हो सकता, जो वाक़ा मेरी कोशिश से न हो अगर वो वाक़ा मेरे पर आसान कर दिया जाए तो ये अता है, कोशिश से नहीं हो सकता, मैं जानना मेरे बस में नहीं था, उसने कोई ऐसी बात की है कि फिर नींद नहीं आई, ये अता होगी। क्या मैं गुस्सा दरक नहीं कर सकता था, उसने कोई ऐसी बात की है गुस्सा आता ही नहीं है, अता होगी। यानी कि मैं एक आदमी के खिलाफ इतना मुझे रंज था, इतना रंज था कि कहीं मुझे मिले तो चाकू छुरी हो जाए, पर आप जो है ना वो आदमी याद ही नहीं है कि वो आदमी कौन था, अता हो। अता का मतलब यह है कि ख्याल के अंदर से वैनम निकाल दे, जहर जो अंदर भरा पड़ा है वो जहर निकाल दे, जहर जो है वो रिपेंटेंस का हो चाहे जहर किसी इंतकाम का हो, बस ये अता हो जाती है। अता उस वक्त होती है जब आपके अंदर से आपका जहर जो है ना वो निकलना शुरू हो जाए। इंसान जहरीला है ना, कभी इंतकाम में जहर है कभी किसी और बात में जहर है, तो अगर आपको जहर से आज़ाद कर दिया जाए फिर आप तो फरिश्ता है, फरिश्ते का चाहे आप सामने जहर निकल जाए, शहर बढ़ा जहर आपके अंदर ही बाद इंसान नरिश करता है, अपने अंदर खाता है अपना जहर, इंजॉय करता है, नफरत इंजॉय करता है, गुस्सा इंजॉय करता है और उसको नापसंद करता है, वो जो हमारे से धोखा दे गया अच्छा धोखा देने उसको नापसंद करता है आए जहर ही। तो अगर धोखा देने वाले को इंसान समझ के माफ़ कर दो तब फिर जहर खत्म हो जाएगा, माफ़ करने वाला अगर आप माफ़ कर दो तो फिर जहर शहर खत्म हो जाते हैं। ये माफ़ करने का हौसला ये अता है, माफ़ी मांगने की जरूरत ये अता है, अपने आप को माफ़ कर देना ये अता है, अपनी मेहनतों को उसको अफजल समझना अता है, नारवा के साथ वफा करना ये अता है, उसकी जो ना मुदातर है ना पसंद के साथ उनकी पत्थर कर रहे हैं हम और भी खुशी से पत्थर कर रहे हैं, हमारा हौसला देखो ये अता है, पसंद अपनी हाथ से हम छोड़ बैठे हैं ये अता है, पसंद हाथ से गई ना पसंद के साथ हुआ और दोनों बर्दाश्त हैं, ये क्या होगा ये अता। अता का मतलब है कि कुव्वत बर्दाश्त, और सबसे बड़ी कुव्वत यही है कुव्वत बर्दाश्त। अब आप देखो जिन लोगों पर अता होती है मुश्किल कुशा होते हैं, आमतौर पर मुश्किल कुशा अपनी मुश्किल नहीं कुशा करता,
बस ये है मुश्किल गुजाई। अब बात समझ रहे मुश्किल गुशा शहीद, मुश्किल गुशा, मुश्किल गुशा की औलाद से ईद, मुश्किल गुशा और मुश्किल गुशा एन मुश्किल गुशा, मतलब ये है कि ये है हौसला, हौसला और कुव्वत बर्दाश्त ये अता है। अता समझना जिंदगी में हुस्न पैदा हो जाए जी, वरना जिंदगी नसर की बजाय जाए पैदा हो जाए तो यूँ समझ लो पोल्ट्री पैदा हो जाए, ये अता है। अब पूरे पोल्ट्री अच्छा अता अता का मतलब जिंदगी में म्यूजिक पैदा हो जाए। अता का मतलब यह है कि हासिल करने की बजाय देने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। अगर आप ये समझो बात में क्या कह रहा हूँ कि हासिल करके इतनी खुशी ना हुई जितने देने की खुशी हो जाए, समझो कि जिंदगी अता है। अता इम्पार्ट करती है और अता जो है हासिल करती है, तो फकीर भी अता करके जाता मांगने वाला कि आप जैसे चालन को सखी बना गया, तो ये समझो कि इसकी बड़ी मेहरबानी है। तो फकीर भी अता करके गया, कहता तुमने मुझे पैसा दिया मैं तुझे अता करके जा रहा हूँ। क्या अता करके जा रहा हूँ कि तेरे जून में सखावत पैदा करके जा रहा हूँ और मेरा शुक्र याद कर रहा हूँ। अता ये है, अता समझते हैं आप, अता समझ आएगी। हर आदमी हर दूसरे को अता कर सकता है, और जहाँ आप ममनून कर दें किसी को अता होगी, जिसके ममनून हो गए अता, और अता से मालूम है जो किसी का शुक्र न अदा करे बस वह सदर है इंसान जिसने किसी का शुक्र अदा किया। अता के अच्छे लोग वो हैं कि गम करके जाने वाले को जाने के बाद उसी गम के हवाले से दुआ देते हैं। मुश्किल बात है अभी ऐसी बात बात क्या करो, अच्छा क्या कहा कि गम दे के जाने वाले को उसी गम के हवाले से दुआ देते हैं। क्या गम दे के जाने वाले, तूने हमारी रात को बेदारी बना दिया, जा अब तुझे भी सलाम दियो। अब यानी कि गफलत को बेदारी बनाने वाला उसको दुआ देना पड़ती है जिसने तुम्हारी गफलत को बेदारी बना दिया। गफलत को बेदारी चोर ने बनाया होगा, अपने जाने वाले ने बनाया होगा, दूर जाने वाले ने बनाया होगा, कुछ और जिसके साथ आपको नाराजगी हो गया होगा बना दिया, सब बेदारी कर गया ना। इसलिए ये एक ख्याल है जो आपको जिंदगी अता बना जाता है। और तेरे अता की खूबियाँ मैंने चेयर बनाया था, तेरी अता की खूबियाँ मेरी तलब में भी नहीं, तो अता की खूबी तो मेरी तलब में भी नहीं होती। इसलिए इसका शुक्र अदा करो जिसने आपको अता के मफहूम से आशना किया। और जिंदगी जब अता के मफहूम से गुजरती है ऐसी वादी है जहाँ हर वक्त कलमा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज साहब का शुक्रिया, साहब का शुक्रिया, धूप का शुक्रिया। अब आज मेरे साहब का, धूप का, अपनों का, पैगानों का, दुश्मनों का, दोस्तों का, होने का न होने का हर चीज़ ही आपको शुक्रिया अदा करने में मजबूर करता हूँ। ये अता है, इसलिए ज़िंदगी को अता समझो। और ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कुछ बार वही है जो उसकी अता के तौर पर गुजरे, अपनी ज़िंदगी को उसकी अता समझो। अगर चेहरे को आपका चेहरा मुबारक जो मुसब है, इसको अगर ये कि भी दुनिया में इंसान चाहे कोई अंदर ही हो और कोई पसंद करने वाले मिल जाए तो ये अता है पूरी, एक ही चाहे वो माँ ही हो, एक इंसान ही पसंद करने वाला मिल जाए ना और फिर इसमें गिल्ला पसंद करने वाला मिल जाए तो ये इससे बड़ी अता को नहीं। अब अगर क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ पसंद ही पसंद है, तो हम जो दुनिया में पसंद करते हैं हम अफादियतों को पसंद करते हैं, और अफादियत के बगैर आपको जो पसंद करे ना वो अता है आपके लिए और आप उसके लिए। आप बात समझ इफादियत के बगैर, वरना हम मशीनें हैं पैदा करने वाली खर्च करने वाली, पैदा और खर्च को अगर निकाल दिया जाए तो फिर अदा की बात समझ आती है।